हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता और मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। छोले की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम काबुली चना लिया है, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे पहले भिगा लिया था। अभी मैंने इसे प्रेशर कुकर में 3 सीटी में पका लिया है। छोले बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइज की प्याज लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 4-5 कली मैंने लहसुन की ली है, और कटा हुआ मैंने 2 हरी मिर्च ली है। और हमने सूखे खड़ी मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून सरसों लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिया है, और एक हमने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, और एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, और छोटा सा टुकड़ा हमने जावित्री का लिया है, और एक हमने तेज पत्ते लिए हैं। अब हम सभी सूखे मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई गर्म कर दिया है। अब हम सभी सूखे मसाले को इसमें डाल के रोस्ट करेंगे। देखिए, हमने सभी सूखे मसाले को एक साथ डाल दिया है। अब हम सभी को अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो सभी मसाले जल जाएंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। देखिए, ये हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। देखिए, हमने सभी सूखे मसाले को एक साथ रोस्ट करके प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं छोले बनाने के लिए। देखिए, हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर दिया है। अब हम इसमें तेज पत्ती डालेंगे। अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। कटा हुआ प्याज। अब सभी को अच्छे से चला लेंगे। हम प्याज को पीस के नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि छोले में प्याज को काट के डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है। अब हम इसे हल्का सा ब्राउन होने तक के फ्राई होने देंगे। देखिए, प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चने को डाल देंगे। देखिए, हमने चने को भी ऐड कर दिया है और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप काबुली चना की जगह काले चना भी ले सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए, अब इसे ढककर 5 मिनट फ्राई होने देते हैं। छोले हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम इन रोस्ट किए हुए सभी खड़ी मसाले को मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, हमने सभी खड़ी मसाले को मिक्सर जार में ले लिया है। अब हम इसी में लहसुन भी ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम सभी को मिक्सर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने सभी मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा चना कितना फ्राई हुआ है। देखिए, छोले को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गया है और ये कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने जो खड़ी मसाले पीस के रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए हमने सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर स्थायी होने देंगे। देखिए छोले को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। देखिए सभी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। देखिए टमाटर कितना अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है और छोले हमारा बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमने छोले को बाउल में निकाल लिया है और हमारा छोले इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। देखिए अगर आप भी इसी तरीके से छोले बनाएंगे तो छोले बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।